नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इन तीन चेहरों के पीछे क्यों पड़ी है। तेलंगाना की मुख्यमंत्री केसीआर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने में लगी हुई है, यानी कि जो हमारे साथ नहीं है उसे पूरी तरह से रौंदने का प्रयास करो। और अब ताजा निशाने पर केसीआर हैं, केजरीवाल और ममता पर एक अरसे से निशाना साधा जा रहा है, अब निशाने पर केसीआर हैं जो कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी और उसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में केसीआर पर करारा हमला बोला गया। क्यों? क्योंकि केसीआर महत्वाकांक्षी हैं। केसीआर अब सीधा हमला बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दिल्ली आते हैं, दिल्ली आकर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करते हैं, कांग्रेस को छोड़ के। उनकी नाराजगी कांग्रेस से भी है, मगर केसीआर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। बतौर केसीआर भारतीय जनता पार्टी गद्दार है, शैतान है, तानाशाह है। सुनिए उनकी जुबानी। प्लीज कीप द सेम स्पिरिट टू सेव इंडिया। इन गद्दारों से, इन राक्षसों से, इन तानाशाही के लोगों से देश को बचाना पड़ता है, न्यायपालिका को। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि दरअसल उन्होंने ये किस संदर्भ में कहा। जैसे कि आपने उसकी एक छोटी सी झलक देखी, इसके अंदर वो जिक्र कर रहे थे जब सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस के सामने नुपुर शर्मा का मामला आया था, और जब जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और इसी की तारीफ केसीआर कर रहे थे। केसीआर ने इस मुद्दे पर क्या कहा, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केसीआर ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया जिसमें नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी। केसीआर ने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला को सलाम करता हूं, भारत को बचाए रखने के लिए आप ऐसे ही काम करते रहें, देश की न्याय व्यवस्था ही देश को इन धोखेबाज शैतान और तानाशाह से बचा सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अभी मैंने आपके सामने प्रधानमंत्री का एक पुराना वीडियो चलाया था जिसमें वो उस समय की यूपीए सरकार से रुपए की गिरती वैल्यू पर सवाल कर रहे थे, लेकिन आज जब रुपए की वैल्यू गिर रही है तो प्रधानमंत्री खामोश हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान का हवाला देते हुए, जब वो चीफ मिनिस्टर गुजरात थे, उस पुराने बयान का हवाला देते हुए केसीआर ने उन पर कैसे हमला बोला, आप खुद सुनिए। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? यही हम लोग मांग रहे थे, हम भी वही मांग रहे थे, आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों नहीं दिए नरेंद्र मोदी जी, क्या बात है? आप जो कह रहे थे, अगर आप सच थे, आप ईमानदार थे, वर्स्ट एवर रूपी वैल्यू हैज गॉन टू सच ए लो, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री, किसी भी प्रधानमंत्री के समय में नहीं गिरा इतना जितना मोदी जी के समय में गिरा। क्या कारण है? किसी भी समय इट इज क्लोज टू 80 रुपीज नाउ। यही कारण हम पूछ रहे थे। यही नहीं दोस्तों, केसीआर इस बात पर भी हमला बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाता है
वो उस नदी में डुबकी लगाने के बाद जो है पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। और वो बाकायदा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के कई मंत्रियों का जिक्र कर रहे हैं, नेताओं का जिक्र कर रहे हैं और उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो भाजपा में शामिल हो गए। आप देख सकते हैं उन्होंने जिक्र किया सुजना चौधरी का जो बीजेपी में शामिल हो गए, उसी तरह से सीएम रमेश जो कि आंध्र प्रदेश टीडीपी से शामिल हो गए बीजेपी में। वो आगे जिक्र करते हैं शुभेंदु अधिकारी का, इस वीडियो में शुभेंदु अधिकारी का भी जिक्र किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकार बीजेपी में अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और तमाम जो केसेस हैं उनके खिलाफ खत्म हो जाते हैं। मुकुल रॉय, यहां आप देख सकते हैं मुकुल रॉय का भी जिक्र किया, मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हुए, इनके खिलाफ नारदा केस जो है उसे बंद कर दिया गया। उसी तरह से नारायण राणे, नारायण राणे पर ढेरों आरोप थे दोस्तों और नारायण राणे के तमाम आरोपों को खारिज कर दिया गया एक बार जब वो बीजेपी में शामिल हो गए। नारायण राणे के बाद वो जिक्र कर रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा का। जी हां, हेमंत बिश्व शर्मा भी कई मामलों में फंसे हुए थे मगर कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और आज वो वहां के कद्दावर नेता हैं, असम के मुख्यमंत्री। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कई चेहरों का जिक्र है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जिक्र है। केसीआर भारतीय जनता पार्टी की कमजोर और बदनाम नब्ज पर भी हमला बोल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र पर भी हमला बोल रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने पेगासस का जिक्र किया था, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र महिलाओं पर निशाना साधता है, पत्रकारों पर निशाना साधता है। और अब इस बयान में जो अब मैं आपको सुनाने वाला हूं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी आपका एक दर्जा है, लोगों को ट्रोल करना बंद कीजिए। किस तरह से केसीआर उन पर हमला बोल रहे हैं आइए फिर से सुनते हैं। ये गलत प्रचार जो आपके विपक्षियों के लिए आप करते हो बंद कर दीजिए, ये आपको शोभा नहीं देता। आप व्हाट्सएप में इसमें उसमें ट्रोलिंग जो करते हो वो बंद कर दीजिए, हर दिन आपका कद को ये कम कर रहा है। मैं भी राजनीति का एक सहयोगी होने के नाते आपको सुझाव दे रहा हूं, आपका स्थान इतिहास में अच्छा लकी है, बुरा स्थान मत कमाइए, बुरा नाम मत कमाइए, ये मेरा सुझाव है। इसमें दो राय नहीं है कि केसीआर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे हैं, मगर सिर्फ केसीआर नहीं है, ममता बनर्जी वो भी काफी उग्र होकर, और ये ना भूलें ममता बनर्जी को तो बुरी तरह से घेरने का प्रयास किया गया था पश्चिम बंगाल चुनावों में जहां भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, बात वहां नहीं रुकी, उनके एक एक कई मंत्रियों को जो है वो जेल में डाल दिया गया। अलपन बंदोपाध्याय उनके खास ब्यूरोक्रेट थे, उनको लेकर भी जबरदस्त राजनीति हुई। तो ममता बनर्जी को भी लगातार घेरा गया था और अब भी घेरा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल तो ये कहा जा सकता है पिछले 7-8 सालों से भाजपा के निशाने पर हैं, और यही नहीं उनके करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों को जेल में भी डाला गया। यह बात अलग है कि दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं तैयार की कर पाई और उसी के चलते उन्हें रिहा करना पड़ा। इसलिए मैं इन 3 चेहरों की चर्चा कर रहा हूं आपसे कि ये 3 चेहरे जो क्षेत्रीय नेता हैं मगर राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं रखते हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर हो रही है। और अगर आप एक बात पर गौर करें, क्षेत्रीय नेताओं को खत्म करना और उन पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म करना जो उस राज्य विशेष में हिंदुत्व के मोर्चे पर भाजपा को चुनौती दे सकते हैं उन्हें भी नेस्त नाबूद किया जा रहा है, जैसे कि उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे की पार्टी लगभग उनके हाथ से ले ली गई है। एकनाथ शिंदे आज की तारीख में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो है अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है और अमित शाह का पूरा प्लान एकदम स्पष्ट है, वो चाहते हैं कि शिवसेना पूरी तरह से खत्म हो जाए ताकि महाराष्ट्र के अंदर अगर हिंदुत्व की कोई बात करे या हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों की बात करे तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कोई नहीं। मगर आपको समझना पड़ेगा, चाहे केसीआर हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी, तीनों की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं, तीनों देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं मगर इसके बावजूद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि दिक्कत यह है
कि इनमें से कोई भी एक दूसरे का समर्थन नहीं करता है। किसी भी क्षेत्रीय नेता के नाम पर बाकी क्षेत्रीय दलों में आम सहमति नहीं बनने वाली। और हम ना भूलें कांग्रेस, जो एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर अपने आप को बार बार पेश करती रहती है। ये बात अलग है कि कांग्रेस के इस वक्त जो सबसे बड़े नेता हैं, यानी कि राहुल गांधी, वो कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, देर कर रहे हैं। अब बताइए ना, गुजरात में चुनाव इस साल के अंत में, अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई तैयारी शुरू नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार पे प्रचार करी जा रही है। उत्तर प्रदेश चुनावों में 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले ही दिन गुजरात में रोड शो करने लगते हैं। यह है इन दो राष्ट्रीय दलों के बीच का फर्क। मैं समझता हूं कि मीडिया के सहारे भी इन तमाम दलों पर निशाना साधा जाता है, क्षेत्रीय नेताओं पर निशाना साधा जाता है, और फिर ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, जिसका बेजा इस्तेमाल करके इन क्षेत्रीय नेताओं पर निशाना साधा जाता है। अरविंद केजरीवाल के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जेल में हैं, उद्धव ठाकरे सरकार में कई जो दो बड़े बड़े मंत्री थे, यानी कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक जेल में है, ममता बनर्जी के कई मंत्रियों पर निशाना साधा गया। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी मीडिया और एजेंसीज का इस्तेमाल करती है कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों पर निशाना साधने के लिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर दिक्कत क्या है दोस्तों, जहां क्षेत्रीय दलों में आम सहमति नहीं है एक दूसरे को लेकर, वहीं कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। अब तक कांग्रेस ने ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया कि वो राष्ट्रीय तौर पर भारतीय जनता पार्टी को गंभीर चुनौती देना चाहती है। मैं मानता हूं कि महंगाई के मोर्चे पर कांग्रेस सड़क पर उतरने लगी है, बेरोजगारी के मोर्चे पर भी कांग्रेस सड़क पर उतरने लगी है, मैं उस बात से इनकार नहीं करता। मगर एक पार्टी तब आगे बढ़ती है जब नेतृत्व पार्टी के बाकी लोगों का हाथ अपने हाथ में थामे आगे बढ़ने का मादा दिखाता है, हिम्मत दिखाता है। कांग्रेस के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो ऐसा कर पा रहा है। और गांधी परिवार के अलावा अन्य नेताओं पर सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस की त्रासदी यही है। अब गोवा पर निगाह डालिए, वहां पर जो बचे कुचे कांग्रेस के नेता हैं उसे भी तोड़ने की तैयारी कर रही है भाजपा। चलिए भाजपा तो आदतन मजबूर है, जो कर रही है सो कर रही है, मगर कांग्रेस, उसकी आंखें क्यों बंद हैं? क्या इन तमाम मुद्दों को संबोधित नहीं करना चाहिए विपक्ष को? क्या विपक्ष इसी तरह से आंखें मूंदे रहेगी? क्या यह सवाल लाजमी नहीं है? तो न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।